और वर्टिकल प्रोग्राम एक्शन कमेटी की अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ पर डॉर्स, IDSP ऐसे 12 प्रोग्राम्स हैं जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और एडमिन स्टाफ काम करते हैं, और आज वो 18 सितंबर से लगभग 26 दिन की हड़ताल को चलते हुए हो गया है। सभी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या कारण है सड़कों पर उतरने का? सड़कों पर उतरने का सिर्फ एक ही कारण है कि हमें समान कार्य समान वेतन दिया जाए, क्योंकि हमारा काम जहाँ पर हम बैठते हैं वहाँ पर भी जो कर्मचारी है जिसको तनख्वाह दी जा रही है उसका समय और उनकी तनख्वाह दोनों हमारे साथ बराबर नहीं है। कुछ सेम है लेकिन हमारी जो तनख्वाह है वो एक तिहाई है, पर हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जब हमें उनके समान वेतन दे दिया जाएगा तो हम इस हड़ताल को ख़त्म कर देंगे। मतलब एक तरफ दिल्ली सरकार और ये केंद्र सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आप लोग बेटी के दर्जे में नहीं आते, एक महिला के दर्जे में नहीं आते? देखिए, हमें भी यही लग रहा था कि सरकार हमारी बात सुनेगी, जैसा हमें आश्वासन मिला था 31 मार्च तक का। हमने जनवरी में जब स्ट्राइक की थी तो मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आकर हमें आश्वासन देकर गए थे, परंतु उनके आश्वासन के चलते अभी हमने 6 महीने इंतज़ार किया। 6 महीने हमने पूरे पत्राचार, हर जगह फाइल, हर जगह मंत्री के दरवाजे गए, हर ऑफिस में गए, लेकिन हमारा काम नहीं बना, जिसके रहते हुए हमें 18 मार्च से अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठना पड़ा। मैडम, जैसे कि अभी आपने बताया कि सब लोग स्ट्राइक पर हैं, जो बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं या मतलब एक इंद्रधनुष, पता नहीं कौन सा धनुष की बात करते हैं, मिशन इंद्रधनुष, तो उसके अंदर अगर किसी बच्चे का अगर इंजेक्शन छूट जाता है तो उस बच्चे पे क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, मिशन इंद्रधनुष में हम टीकाकरण होता है कि जैसे जो कोई नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं अगर फ्लाईओवर है वहां पर कोई काम हो रहा है, उनके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको टीकाकरण। इस इंद्रधनुष के जरिए हमें वहां तक भी जाकर, हमारे डॉक्टर्स, हमारी ANM वहां जाकर इंजेक्शन लगवाती हैं। तो अगर वो छूटता है, कोई नहीं जा पाया डिस्टेंस में और वह रह गया और वो किसी काम के वर्ष काम लगे हुए हैं, तो उनको उसी जगह पर जाकर लगाना, ये है इंद्रधनुष। अगर वो लगता नहीं है तो फिर हमारी जिस महामारी से हम बचाने की बात कर रहे हैं तो वो इनका मिशन पूरा नहीं होता है। जैसा कि इन्होंने अभी इसी अक्टूबर में शुरू करना था, लेकिन उसमें हेड काउंट होते हैं, टीकाकरण होता है, वो पूरा फुली फ्लॉप है। वो आप पूरी डिस्पेंसरियाँ देखिए, बिल्कुल बंद हैं, चाहे सरकार ना दिखाए, लेकिन अगर आप जाकर देखते हैं तो हमारी वजह से मंत्री जी हर चीज़ कागज़ दिखा कर करते हैं, उनके ट्विटर पर और ये सब है, ये हमने लिस्ट भी बनाकर आपको जो फोल्डर है उसमें सब जगह है, इसमें सारी डिस्पेंसरियों के नाम है जो डिस्पेंसरियाँ पूरी तरीके से बंद है। यहाँ पर डिस्पेंसरी नाम बताएं कौन कौन सी बंद है? देखिए, ये DGD मोलर बंद है, DGD गरी है, स्वरूप नगर की है, ताजपुर की है, कालका जी की है, D1 ब्लॉक संगम विहार है, सनलाइट कॉलोनी है, CPSC एच ब्लॉक संगम विहार, B ब्लॉक संगम विहार, G12 ब्लॉक संगम विहार, तुगलकाबाद, जसोला। अगर हमारा साउथ ईस्ट अगर आप देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट बंद है। और हमारे DPM ऑफिस जहाँ पर पूरा एडमिन स्टाफ होता है, हमारे जो आशा वर्कर, जो आपको पता था अभी यहाँ पर बैठे भी थे, उनके जो इंसेंटिव्स बनते हैं वो सबका काम NHM के कर्मचारी ही करते हैं, और अभी तक वो पूरी तरीके से बंद है। मतलब जो हॉस्पिटलों के अंदर जो आपने बताया कि जो इंजेक्शन वगैरह की बात करते हैं, ये वैक्सीन इंजेक्शन वगैरह के लिए जो टेंडर वगैरह क्या छोड़ते हैं, फिर वो टेंडर वगैरह आ जाते, पुराने इंजेक्शन लगाने के लिए आपको क्या बाध्य करते हैं लोग, डिपार्टमेंट के लोग? नहीं, वो चीज़ के लिए नहीं है बाधे करने के लिए, उस चीज़ के लिए होता है, लेकिन अब फिलहाल जो अब का जो सीन है उसमें आपने देखा होगा, कल भी इन्होंने अपनी रिपोर्ट एक करवाई है जमा, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है विटामिन ए की जो दवाई होती है वो भी नहीं आई है, क्योंकि हमारी सारी ANM यहाँ पर है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये डिस्पेंसरियों में इसमें साफ साफ लिखा हुआ है हेड काउंट सर्वे नहीं हुआ है, 4 keys नॉट गिवन, 30 मिनट सुपरवाइजर वॉज नॉट विजिटेड मुकंदपुर, और ये यहाँ पर विटामिन ए इज़ नॉट अवेलेबल। जो बच्चों को टीकाकरण के साथ दवाई पिलाई जाती है 6 महीने पर, फिर 1 साल पर, वो दवाइयाँ वहाँ पर आ ही नहीं रही है। आगामी योजना क्या रहेगी आपको इस धरने को लेकर? सबसे पहली तो हमारी ये है कि हमने अपनी दिवाली को काली मनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमारी दिवाली जो है वो काली मनाई जाएगी, क्योंकि सरकार हमारी मांग को अभी मानती हुई दिख नहीं रही है। मैडम, ये काली दिवाली का क्या मतलब है? मतलब ऐसा कुछ सर, लोगों के घर दिए जलते हैं, सब लोग अपने घर दिए जलाएंगे, सफाई करेंगे, सब करेंगे, लेकिन हमारे पास ना तो देखिए तनख्वाह आई है, ना सरकार का कोई आया है कि हमारी फाइल जलेगी, तो ना तो हमारे पास दिए जलाने के लिए पैसे हैं ना कुछ है, तो हमारे तो दिए बुझे हुए हैं, तो अपने आप वो काली में बदल जाते हैं। तो आप मनाएंगे ही नहीं दिवाली? नहीं, मतलब काली
मैडम 26 दिन से आप यहाँ पे बैठे हुए, क्या कुछ परेशानी आई है? देखिए परेशानी तो है ही है, सब लोगों का सुबह निकलते हैं हम अपने घर से सारे काम करके, अपना किराया और सब कुछ, सब लोगों को अपने घरों के भी किराए देने, अपने बच्चों की तनख्वाहें भी देनी है, सब चीज़ों से हम लोग हैं। लेकिन हम एक निश्चय करके आए हैं, चाहे इस बार कुछ भी हो जाए लेकिन जब तक हमें समान कार्य समान वेतन नहीं मिलेगा हम नहीं उठेंगे। आगे कोई रोशनी नजर आती है कि क्या ये बिल्कुल सरकार ने हमें दिया तो है आश्वासन, लेकिन उस आश्वासन का अभी कोई आधार नहीं है। जब तक वो हमें दिया नहीं जाएगा तब तक हम नहीं उठेंगे। मात्र कह देने से कि हाँ हम आपके साथ हैं ऐसे नहीं होगा, अब हमें उसे पूरा करवा के ही जाना है। मतलब टोटल स्टाफ कितना होगा लगभग जो आप यहाँ स्टाफ पे हैं? 2700 के करीब है, 2760। डॉक्टर, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, एडमिन, तीन ही ग्रुप हैं हमारे पास, इसमें सभी आते हैं। डॉक्टर्स आते हैं, पैरामेडिकल्स और एडमिन स्टाफ, मतलब सारे स्टाफ, नर्स, एएनएम, पीएचएन, फार्मासिस्ट, सीडीओ, अकाउंट असिस्टेंट, अकाउंट क्लर्क, एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क, डीपीएम, एमआईएस, ये सब, बीसीसी, ये सब हमारे इसी में आते हैं एडमिन स्टाफ। नहीं मैं उठ, वो इधर आ रही हूँ।